सब्सक्राइब करिए ईएमटी सॉल्यूशन चैनल को लेटेस्ट टेक वीडियो और सभी तरह के टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉल्यूशन पाने के लिए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ आज से भी जेनेमेटिक सॉल्यूशन में। दोस्तों यहाँ हम बात करने वाले हैं मूवी मेकर की ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम के बारे में। काफी लोगों को दिक्कत आ रही है कि इसको मूवी मेकर के अंदर जो ब्लैक स्क्रीन हो जाती है, बिल्कुल कुछ भी वीडियो शो नहीं होता, कुछ भी चीजें शो नहीं होती, तो इसके में कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाए, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर को वापस इंस्टॉल करते हैं दोस्तों, तो इसके में हमारा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो कैसे आप यहाँ पे मूवी मेकर की ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आप देख पा रहे हैं जैसा कि मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे मैं मूवी मेकर सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। जो ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम है मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको ये सॉल्व करने में आसानी रहे। आप जैसे दोस्तों कोई वीडियो ऐड करते हैं या फोटो ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद में उसको एडिट वगैरह करने के बाद में आप जब भी उसको बनाते हैं यानी सेव एज करके जब भी उसको फोटो को MP4 फॉर्मेट में क्रिएट करते हैं, वीडियो के फॉर्मेट में क्रिएट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ तो आपको यही काम करना है। आपको सबसे पहले आपके फोटो को सेव एज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कोई वीडियो क्लिक करते के माई कंप्यूटर पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद में जैसे दोस्तों आप इसे क्रिएट करते हैं तो आपके सामने जब ये वीडियो तैयार हो जाती है, तो वीडियो तैयार होने के बाद में जैसे प्ले करेंगे, प्ले करने के बाद में आपके सामने जो दिक्कत आती है दोस्तों वो है कि बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन शो हो रही है, जिस वजह से आप कोई भी काम नहीं कर पाते। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले जाना होगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। वहाँ जाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पर, गो टू डिवाइस मैनेजर, यहाँ पर आपको कंप्यूटर माई कंप्यूटर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर मैनेज का एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, आप देख पा रहे हैं डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर। मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर एक ऑप्शन दिख जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप जब भी डिवाइस मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपके सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ऑप्शन है वो अवेलेबल हो जाएगा डिस्प्ले अडेप्टर का। मैं दिखा देता हूँ, मैं डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ डिस्प्ले अडेप्टर का ऑप्शन है, डिस्प्ले अडेप्टर के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा, आपको इसको अपडेट कर देना है। इसको अपडेट करते ही दोस्तों आपकी प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे अभी कमेंट करना ना भूले, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें।